शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लद्दाख पहुंच गए। 15 जून को गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में घायल हुए भारतीय सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। चीन को संदेश देने की कोशिश की कि भारत संगठित देश है, उसको हिला पाना या उसकी संप्रभुता से खेल पाना चीन के बस की बात नहीं है। हालांकि इन सब के बीच में कांग्रेस के सुर एक जैसे थे। वो भारत की मोदी सरकार पर चीन के मुद्दे को लेकर हमलावर थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार दावे कर रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है और भारत की मोदी सरकार आंखें मूंदे बैठी है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान भी इन दोनों ही कांग्रेस के नेताओं ने कुछ वीडियोस के जरिए दिखाने की कोशिश की थी कि लद्दाख में चीन की जमीन हथियाने की वजह से लद्दाख वासी परेशान है और मोदी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हालांकि जो वीडियोस इन नेताओं ने शेयर किए थे उसमें जो लोग बोल रहे थे उसमें से 5 लोगों का कांग्रेस से ही सीधा कनेक्शन निकल आया। ये पोल खुलने के बाद भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को चैन नहीं आया। शनिवार सुबह भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और लद्दाख वासियों का दर्द उजागर करने का प्रयास किया। एक खबर का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने लिखा, देशभक्त लद्दाख वासी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो आगाह कर रहे हैं, उनकी बात की उपेक्षा करने की भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, कृपया भारत की खातिर सुनिए। वहीं राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक वीडियो ट्वीट किया था। लिखा था, अपनी मातृभूमि से प्यार करने वाले लद्दाख के अनगिनत निवासी कह रहे हैं कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। आशा है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए सरकार लद्दाख के लोगों के साथ पूरे हिंदुस्तान की भावना सुनेगी और एक्ट करेगी।